It's a mixed bag. Chris and Melanie Franklin, boards of Tehran. Anger today over the detention of a prominent journalist. Marzieh Hashemi is an anchor for Iran's English-language state broadcaster, Press TV, and she's without charge, Press TV anchor and U.S. citizen Marzieh Hashemi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मर्ज़िया हाशमी साबका नामी मेलानी फ्रैंकलिन एक अमरीकी खातून है। आप 21 दिसंबर 1959 में न्यू ऑरलीन्स ल्यूज़ियाना अमेरिका में पैदा हुई। आपके वालिदैन अफ्रीकी नियाद हैं, जबकि आपकी पैदाइश अमेरिका में हुई। आप पैदाइशी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। जब शऊर पर पहुंची तो आपने इस्लाम की तरफ रजू किया, मगर यह सब 2 साल की तवील तहकीक के बाद ईसाइयत से बेजारी का सबब बना। इस दौरान आगे इस्लाम में कई फ़िरके होने की वजह से तहकीक से जुड़ी रहीं। आपने पेशे के तौर पर एक अमरीकी चैनल से बतौर सहाफ़ी और टेलीविज़न पेश कुनिंदा काम किया। इस वक्त आप ईरानी सरकारी भी न्यूज़ एजेंसी में भी मुलाजिम हैं और महजूबा मैगजीन की एडिटर इन चीफ के तौर पर भी काम करती हैं। 15 जनवरी 2019 को हाशमी को डेनोर में अपने बेटे से मिलने के लिए सेंट लुइस की परवाज़ में सवार होते हुए FBI ने गिरफ्तार भी किया था और 11 दिन जेल में रखा। हुसैन हाशमी शोहर ने मजीद कहा कि मिसेज हाशमी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम ऐद नहीं किया गया था। इससे कबल ईरान के साबिक वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने प्रेस टीवी की रिपोर्टर मर्ज़िया हाशमी की गिरफ्तारी में अमरीका के इक़दाम को सियासी और नाकाबिल कबूल करार दिया था। अपनी रिहाई के बाद मर्ज़िया हाशमी एक दस्तावेजी फिल्म बनाने वाली रिपोर्टर और प्रेस टीवी की मेज़बान इमाम खुमैनी एयरपोर्ट में जब दाखिल हुई तो ईरानी अवाम और उनके साथियों और दोस्तों ने उनका खूब इस्तकबाल किया। इब्तदाई तौर पर उनकी गिरफ्तारी की वजह मालूम नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में अदालती दस्तावेजात के मुताबिक इसे वफाकी तहकीकात के लिए बतौर मादी गवाह रखा गया था। WD में वफाकी ग्रैंड जूरी के सामने गवाही के बाद हाशमी को 23 जनवरी 2019 को रिहा कर दिया गया था। ज़ाती पस मंज़र मर्ज़िया हाशमी का असल नाम मेलानिया फ्रैंकलिन है, जो न्यू ऑरलीन्स अमेरिका में पैदा हुई। जब आपकी उम्र 22 साल थी और वो सहाफ़त के तालिब इल्मी के दौर में ही 2 साल की तहकीक के बाद आपने इस्लाम कबूल किया और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नामों में से एक नाम मर्ज़िया का इंतख़ाब किया। अपना मज़हब तब्दील करने और न्यूज़ चैनल से निकाले जाने के बाद आपने इस्लामी अखबारात और रसायल के साथ काम शुरू किया और फिर अमेरिका में रहने वाले एक ईरानी हुसैन हाशमी से शादी की और अपने 2 बच्चों की पैदाइश के बाद वो 1367 हिजरी में ईरान हिजरत कर गए। सबसे बड़ा बेटा और उसकी बहू अमेरिका में रहते हैं। बड़ा बेटा PhD का तालिब इल्म है और बहू डॉक्टर है। उनकी बेटी अपनी बीवी के साथ ईरान में पढ़ती है और उसका छोटा बेटा, जिसकी पैदाइश ईरान में हुई और ईरानी मीडिया में इस वक्त काम करता है। मर्ज़िया हाशमी की शोहरत 2008 में निदा आगा सुल्तानी के कत्ल के बारे में एक मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म बनाने के बाद मशहूर हुई, जिसका नाम इंटरसेक्शन था, जिसे प्रेस टीवी पर भी नशर किया गया था। इस दस्तावेजी फिल्म में उनका कहना था कि वो एक आज़ाद सहाफ़ी हैं। इस कहानी में दिलचस्प नुक्ता BBC वर्ल्ड नेटवर्क की जानिब से मर्ज़िया हाशमी के लिए तामुन था। उन्होंने इसकी एक बड़ी तस्वीर लंदन में इस नेटवर्क के मरकजी अमारत पर एक वीडियो प्रोजेक्टर के जरिए ओवैजा की थी। मर्ज़िया हाशमी गुज़श्ता साल 40 के जुलूस में भी शरीक हुई थी, जो आप इस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं। वो 1989 में नशरियात के शोबे की तालबा थी, जब ईरानी इनकलाब आया, जिसके नतीजे में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अमेरिका में इस्लामी अखबारात और रसायल में अपने कैरियर का आगाज़ किया। 2008 से वो ईरान में मुकीम है, जहां अब वो एक TV प्रेजेंटर, सहाफ़ी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और दस्तावेजी फिल्म और ईरान के अंग्रेज़ी ज़बान के नशरियाती नेटवर्क से मुंसलिक हैं। मर्ज़िया हाशमी कहती हैं कि उनकी मज़हब तब्दीली की बुनियादी वजह इस्लाम की हक़ानियत से जुड़ा है, जबकि शिया मज़हब की कबूलियत में ईरानी इनकलाब और आयतुल्लाह खुमैनी का किरदार था। जब मैं अमरीका में तालिब इल्म थी तो मैंने देखा कि ईरानी तलबा बहुत मुतहरक हैं और मुझे सियासी सरगर्मियों और मकासद के बारे में पूछती थी कि आप एहतजाज क्यों करते हैं, और वो मुझसे ईरानी शहनशाह के मजालिम और इमाम खुमैनी के बारे में बात करते थे और ये मेरे मुसलमान होने का पहला कदम था। मैं सच्चाई की तलाश में थी और मैं अपने मज़हब से मुतमईन नहीं थी और मेरे पास इस मसले का कोई हल भी नहीं था कि खुदा के पास बाप, बेटे और रूह अल-कुद्स के 3 हिस्से हैं। जब मैंने मुख्तलिफ लोगों, पादरियों से पूछा तो जवाब देने पर मुझे यकीन नहीं आया। जब यह मसला यूनिवर्सिटियों में पेश आया तो मैंने ना सिर्फ इस्लाम के बारे में बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में भी मुताला करना शुरू किया और साथ ही उनका नज़रिया और नज़रिया मार्क्स से मवाजना करना भी शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान होने में कामयाब हुई। आप दुराने मुलाजमत ईरान में शिया मज़हब से खूब वाकिफ़ हुई और अयाम आशूर ने भी उन पर गहरा असर डाला और जल्द ही अहले सुन्नत से शिया हो गई, जो दरअसल हकीकी इस्लाम का दूसरा नाम है। तब्दीली के बाद उसने अपना नाम तब्दील करके मर्जिया हाशमी रख लिया है। हाशमी उनके अपने मुसलमान शोहर का आखिरी नाम है और उसने मर्जिया का इंतखाब किया जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी फातिमा बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो बराए करम हमारे चैनल शिया फिगर को इस तरह की आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।